दो फिल्मों के टकराव की स्थिति में किसी न किसी एक फिल्म को नुकसान तो उठाना ही पड़ता है। पिछले सप्ताह प्रदर्शित हुई अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की फिल्म छोटी मियां बड़ी मियां वर्सेस अजय देवगन की फिल्म मैदान के टकराव के बीच कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिली थी। साल 2024 काफी मजेदार होने वाला है क्योंकि इस साल बैक टू बैक एक के बाद एक कई फिल्मों का सीक्वल आने वाला है, जैसे कि सिंघम अगेन, पुष्पा 2, स्त्री 2 और भूल भुलैया 3। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है जो कि काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। हमें पता चला है कि फिल्म डायरेक्टर्स की माथे की शिकन इससे और बढ़ गई। असल में इस साल रोहित शर्मा की मच अवेटिंग स्पाई यूनिवर्स की फिल्म सिंघम अगेन रिलीज होने वाली। फिल्म में अजय देवगन के अलावा दीपिका पादुकोण, अक्षय कुमार और रणवीर सिंह जैसे कई बड़े चेहरे भी नजर आने वाले। लेकिन इसी बीच एक खबर आई है कि इसी दिन अल्लू अर्जुन की फिल्म भी पुष्पा 2 जो है वो रिलीज होने वाली है। ये दोनों ही फिल्में 15 अगस्त के दिन आमने सामने होंगी। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट पर इस फिल्म से जुड़े कुछ ताजा अपडेट दी है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा है कि पुष्पा 2 जो है वो पोस्टपोन नहीं की जाएगी, ये स्वतंत्रता दिवस के दिन 2024 में ही रिलीज होगी। अफवाहों पर ध्यान मत दो, पुष्पा 2 गुरुवार को 15 अगस्त को पक्का रिलीज होने वाली है। उन्होंने आगे लिखा है कि सिंघम 2 के साथ बड़ा क्लैश होने वाला है, अजय देवगन वर्सेस अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 दरियल के साथ। सिनेमाई गलियारों की रिपोर्ट्स के अनुसार अब सिंघम अगेन की रिलीज डेट को आगे बढ़ाकर दिवाली के मौके पर किया जा सकता है। हालांकि दिवाली के मौके पर अजय को अकेले रिलीज नहीं मिलेगी क्योंकि उसी दिन अनीश बज्मी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि दिवाली के मौके पर वो भूल भुलैया 3 को भी रिलीज करेंगे। हालांकि अभी तक अजय और रोहित ने फिल्म के रिलीज डेट को लेकर कोई बात नहीं की। तो दोस्तों आपका क्या है कहना सिंघम अगेन और पुष्पा 2 को लेकर, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही चटपटी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल बॉलीवुड दर्शन के साथ।